अभी तक उन्होंने रामपुर के लिए कोई मुद्दा नहीं रखा। आज उनको 15-20 दिन हो गए रामपुर आए हुए, अभी तक उनका कोई मुद्दा नहीं है कि हम रामपुर की जनता को क्या देंगे। ये हम इसके बाप को भी नहीं निकलने देते गेटों के अंदर से, अगर इतने काम अच्छे करे होते तो लंबे लंबे हम बिक जाते, हम अपनी छाती पे गोली खा लेते। आजम खान ने 40 साल इस शहर में राज किया और 40 साल राज करने के बाद आजम खान ने रामपुर को सिर्फ तकलीफ और मुसीबत दी है। कपड़े वाला मिल खुल जाता उससे कितना काम दिया हमारा मजदूर काम करता, उन्होंने कहा रामपुर का आदमी करना ही नहीं चाहता। ये मकारी इनके बाप क्या करते थे अब से 40 साल पहले, उसी नीति पे ये खुद चल रहा। सड़के गड्ढों में निकलना, पहाड़ी गेट के गड्ढे बन ही नहीं हो रहे हैं। रामपुर में इस वक्त मौजूद हैं आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी फैसल लाला की अभी जनसभा हुई है, उन्हें जो लोग सुनने के लिए आए थे हमारे साथ हैं, उनसे बात करें। क्या नाम है चाचा? मोहम्मद नासिर खान साहब। क्या माहौल है रामपुर का? बहुत अच्छा है भाई साहब, हम ये अगर पार्टी आई तो हमारी जिंदगी बन जाएगी। कौन सी पार्टी? ये आम आदमी। क्यों? इसलिए ये दिल्ली से, मैं केजरीवाल से बहुत अच्छे ताल्लुकात रखता हूँ। दिल्ली में इन्होंने बसों का किराया फ्री भी करा है और सिलेंडर पे भी पैसे घटाए हैं और पानी बिजली पे भी पैसे घटाए हैं। मैं केजरीवाल से आज तक मिला तो नहीं हूँ, मगर हाँ दिल्ली से मैं बहुत खुश होता हूँ। रामपुर के नेता तो आजम खान को कहा जाता है। अरे छोड़ दो बस, अब गई कहानी। 9 बार मंत्री बनाया आपने, विधायक बनाया उन्हें। अरे क्या करें, हमने ये सोच के बनाया यार, ये हमारे साथ कुछ करेगा भाग में, इनने कुछ नहीं करा कमबख्त ने, इसको जेल हो जाए तो अच्छा ही है। जेल में ही तो है भी। हाँ। तो जेल में है। ना इनने कुछ नहीं करा। सड़कें चमका दी रामपुर की, सड़कें गड्ढों में निकलना, पहाड़ी गेट के गड्ढे बन ही नहीं हो रहे हैं। फिर ये नमस्ती बनाने की जगह छोड़ी थी रामपुर, सगड़े चोरी करता। अरे कह रहे हैं यूनिवर्सिटी तक रोड देखो जाके आज कैसा है। अरे कैसा, खंडल बना दिया रामपुर को। पहले तो खंडल ही अच्छा था हमारे लिए भाई साहब, बत्ती भी आती थी, सब बातें होती थी। आज हम वो लोग इस तस्वीर में है, बस क्या बताए, बस छोड़ो बाकी को कहानी। हाँ बस। तो आम आदमी पार्टी लाएंगे? आम आदमी पार्टी वाकई बात है, हम तो खैर वोट आम आदमी पार्टी को दिल्ली से देते चले आ रहे हैं, मगर आजा तो बहुत ही अच्छा है। क्या नाम है? मेरा नाम मोहम्मद इदरीस है। रामपुर का मिजाज बताइए नीचे बैठिए पहले आराम से। रामपुर का मिजाज यह है कि आजम खान ने अपनी सरकार में इन गरीबों के ऊपर बड़े जुल्म किए, डोंगरपुर के अंदर मकान तोड़ दिए, यतीम खाने के अंदर लोगों को बेघर कर दिया, आलियागंज में ताश का बस्ती सब उजाड़ दी, और आज रामपुर की आवाम जो इतनी दुखी है कि आजम खान ने 40 साल इस शहर में राज किया और 40 साल राज करने के बाद आजम खान ने रामपुर को सिर्फ तकलीफ और मुसीबत दी है। 40 साल में कोई भी फैक्ट्री ला सकते थे, लेकिन उन्होंने अपने एक ड्रीम को, जिससे रामपुर के लोगों को बिल्कुल फ़ायदा नहीं है, जौहर यूनिवर्सिटी बनाई है, उसके अंदर हज़ारों करोड़ रुपया लगा दिया। इतने पैसे से अगर 40-50 कारखाने या फैक्ट्रियाँ लगती तो रामपुर के हर घर के अंदर रोटी होती खाने के लिए। हमारा मिल ही खुल जाता, कपड़े वाला मिल खुल जाता, उससे कितना काम दिया हमारा मजदूर काम करता, उन्होंने कहा रामपुर का आदमी करना ही नहीं चाहता। अब उनके लड़के आके कह रहे हैं मुझे सजा मिल रही है मेरे बाप को, रामपुर वासियों के लिए इतना काम किया है। मतलब अरे चल हमने माना रामपुर का आदमी वाकई में काम नहीं कर, उनके बाप दादा पड़बो था और उनका सब अब हयात हो गया, वो लड्डन खां बुद्धन खां मरे हुए जमाना हो गया। आए अरे उसको तो छोड़ दे। उनके बेटे अभी हाल ही में जेल से छुट गए, वो कह रहे हैं कि रामपुर वासियों की मदद के लिए मेरे फादर बाप को इतनी सजा मिल रही है उस जेल में। आए लड़के कह रहे हैं अब्दुल्ला आजम माँ क्या के लिए मिल रहा है रामपुर। अब्दुल्ला आजम कह रहे हैं कि हमारी SC ADM ये कहता था रामपुर आजम खान को उठाने के लिए बड़ी फौज चाहिए, कोई भी गेटों पे नहीं आया लग के, इसने काम अच्छे करे होते, ये हम इसके बाप को भी नहीं निकलने देते गेटों के अंदर से, अगर इसने काम अच्छे करे होते तो लंबे लंबे हम बिक जाते, हम अपनी छाती पे गोली खा लेते। इनने कोई काम ही नहीं करा, इनने बस 500 सुअर पाले थे, ये खुद कहते मैंने 250 सुअर निकाल दिए। इतने नाराजगी क्यों है आजम खान से? एक सवाल, इतना गुस्सा क्यों आजम खान से? अरे अरे भाई साहब सन 80 से हम देखते चले आ रहे हैं, अब मुझसे तुम भैया चुप जाओ भाई जरा चुप भैया चुप हो। देखो भाई साहब आजम खान के लिए हम कोई बुराई नहीं कर रहे हैं, कोई वो नहीं कर रहे हैं। हाँ हमें इतना पता है ये टाटों पर बैठ के बीड़ियाँ बनाता था,
अभी चड्डे की विरासत में दुल्ला पहलवान के पास, और मैं पुंगलिया ठोकता था, मुझे बचपना खूब याद है। ये टाटों में बैठता था और ये पक्के बाग पे मस्जिद के पास रहता था, मुझे इतना पता है ये कौन है ये, समझे ना। चलो हमने माना, इसको हमने उठा दिया। अरे ससुरे तू कुछ तो कर देता हमारे लिए। अच्छा एक चीज और बताना चाहूंगा मैं कि आज यहाँ आप देख रहे हैं कितनी भीड़ है, कितनी भीड़। तो ये जब जहाँ ज्यादा भीड़ होती है फैजल लाला के जलसे में किसी ना किसी तरह की बातें बनाते हैं, अफवाहें उड़ा देते हैं। कल ही उन्होंने कहा है यहाँ से कुछ कदम दूर के कंबलों के लिए बुला लेते हैं। ये मकारी इनके बाप क्या करते थे अब से 40 साल पहले, उसी नीति पे ये खुद चलने आ गया ये। अरे रामपुर की पब्लिक जो है हर चीज जानती है। देखा आपने कितने लोगों को कंबल लेता हुआ देखा आपने, बताइए। और जो कह रहे हैं की कसम खा के बेटे कह रहे हैं, आप कह रहे हैं की कंबल लेने के लिए भीड़ इकट्ठा हो रही है, कितने लोगों को कंबल मिला है उनको एक बंदा ला के दिखाए के फैसल लाला के जरिए इनको कंबल मिला है, ये सब ढोंग रचा रहे। तो ये भी कह रहे हैं कि एक झाड़ू वाले आए हैं वो उनके साथ, वो लोग हैं जो नाबालिग हैं जिनके पास वोट है, वो खुद नाबालिग हैं, उनका मुकदमा क्या चल रही है, उनका मुकदमा आपको तो मालूम है ना क्या चल रही है। वो जो झाड़ू आई है ना, वो झाड़ू किस लिए आई है वो भी जानते हैं, अच्छे से जानते हैं। वो सफाई के लिए आई है और वो सफाई करेगी 101% करेगी, समझ गए आप। इसलिए वो जो सियासत कर रहे हैं ना, वो अभी तक उन्होंने रामपुर के लिए कोई मुद्दा नहीं रखा। आज उनको 15-20 दिन हो गए रामपुर आए हुए, अभी तक उनका कोई मुद्दा नहीं है कि हम रामपुर की जनता को क्या देंगे। लाला अपना है तुम्हारे लगाना।